इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं हमारे सिलेबस में सेमेस्टर फोर के सिलेबस में यूनिट थ्री में टी वर्ग परीक्षण और काय वर्ग परीक्षण इस प्रकार की दो सांख्यिकीय विधियां हैं। उसमें से सर्वप्रथम आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं टी टेस्ट अर्थात टी परीक्षण के बारे में। टी परीक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को हम सबसे पहले समझेंगे ताकि जब सांख्यिकीय विधि की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम ध्यान में लेंगे तब हमें अधिक रूप से स्पष्टता हो। टी परीक्षण का इस्तेमाल कब होता है? दूसरी संकल्पना जिस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, सार्थक अंतर क्या है? तीसरी महत्वपूर्ण संकल्पना है सार्थकता स्तर कौन से है। इन तीन संकल्पनाओं के बारे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सांख्यिकीय विधियों का इस्तेमाल संशोधन के दौरान होता है। मनोवैज्ञानिक संशोधन में जो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा किया जाता है तो उसे अधिक सरल एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए हम विभिन्न सांख्यिकीय विधियों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर एक संशोधन हो रहा है जिसमें तुलनात्मक अध्ययन करना है दो समूहों के बीच में। टी परीक्षण के इस्तेमाल के विषय में हम बात कर रहे हैं अभी। किसी संशोधन में समाविष्ट ये दो समूह हैं, इन दो समूहों का तुलनात्मक अध्ययन होना है। ऐसा मान के चलते हैं कि बुद्धि के स्तर के विशेष विषय में इन दो समूहों का अध्ययन होना है। तो पहले समूह में कितने लोग इकट्ठा है जिसे हम कहते हैं N। पहले समूह में 100 लोगों को लिया गया, दूसरे समूह में 90 लोगों को लिया गया। पहले समूह में 100 लोगों से जानकारी इकट्ठा की गई, दूसरे समूह में 90 लोगों से जानकारी इकट्ठा की गई। जैसे बुद्धि के विषय में संशोधन है तो दोनों समूह के लोगों से सब्जेक्ट से बुद्धि परीक्षण करवाया गया। अब पहले समूह के लिए 100 आंकड़े मेरे हाथ में आ जाएंगे, दूसरे समूह के लिए 90 आंकड़े मेरे हाथ में आ जाएंगे। अब इतने सारे प्राप्तांकों से निष्कर्ष निकाल पाना मुश्किल है, इसलिए जो सांख्यिकीय विधियां इस्तेमाल होती है हम गणना करते हैं मीन की। उसी के साथ हम गणना कर सकते हैं एसडी प्रमाण विचलन की। तो ये दोनों समूहों के विषय में मैंने मध्यमान मीन और एसडी इनकी गणना की और मुझे कुल इस प्रकार के आंकड़े प्राप्त हुए। बुद्धि परीक्षण है तो बुद्धि परीक्षण के आंकड़े और मध्यमान इस प्रकार से नहीं हो सकता। इस प्रकार से मध्यमान और प्रमाण विचलन के आंकड़े मुझे प्राप्त हुए। अब क्योंकि ये संशोधन है, संशोधन के आखिर में निष्कर्ष बताना आवश्यक है कि पहला समूह और दूसरा समूह इनमें बुद्धि स्तर पर भेद है या नहीं। अब यहां पर हम अगर दो समूह में भेद देखना चाहते हैं तो जो इनका मध्यमान है मतलब जो औसत प्राप्तांक आए हैं, जो औसत आया है दोनों समूह का, उसकी तुलना करना आवश्यक है। अब ऐसे देखा जाए तो मध्यमान 110 पहले समूह का और दूसरे समूह का है 80, और इनमें हम कह सकते हैं कि अंतर तो दिखाई दे रहा है। एक समूह का मध्यमान 110 है, दूसरे समूह का मध्यमान 80 है, तो इनमें निश्चित रूप से अंतर दिखाई दे रहा है। तो शायद संशोधन में इस अंतर को देखकर हमने कह देना चाहिए कि बुद्धि स्तर में दोनों समूह में भेद है, किंतु सिर्फ गणितीय अंतर को देखकर, क्योंकि हम सिर्फ देखकर आंकड़ों को बता रहे हैं कि इनमें अंतर है, ये गणितीय अंतर है, ये गणना के साथ दिखाई देने वाला अंतर है। तो गणितीय अंतर के साथ हम संशोधन के निष्कर्ष तय नहीं कर सकते। अगर हम गणितीय अंतर को देखकर संशोधन के निष्कर्ष बता दें तो शायद वो ज्यादा त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में जहां संशोधन में दो समूहों की तुलना कर ये बताना आवश्यक होता है कि क्या ये दो समूह जो भी संशोधन में उद्दीपक है, जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया है बुद्धि स्तर, तो जिस उद्दीपक की बात हो रही है उस उद्दीपक के विषय में क्या ये दोनों समूह एक दूसरे से विभिन्न है, एक दूसरे से उनमें भेद दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में ही T
टी परीक्षण इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टी परीक्षण क्या है, टी परीक्षण ये दो समूहों के मध्यमान के अंतर को बताने वाला नहीं, अंतर की सार्थकता बताने का परीक्षण है, सार्थकता बताने की एक सांख्यिकीय विधि है। अब दो मध्यमानों में अंतर है ये तो हमें यहां दिखाई दे रहा है, तो दो मध्यमानों में सार्थक अंतर से हमें क्या अपेक्षित है इसे समझना हमें आवश्यक है, तो हम बात करेंगे कि सार्थक अंतर क्या होता है। एक छोटे से उदाहरण से इसे समझेंगे और फिर आगे जाएंगे। ऐसा मान के चलिए कि गर्मी के दिन आ रहे हैं और गर्मी के दिनों में आम खाना हम सबको पसंद होता है, घर में आपके मेहमान आ रहे हैं, आपको कम से कम 20 किलो आम लगने वाले हैं। आप अपने घर के पास की जो दुकान है सबसे पहले आप वहां जाते हैं और आपको वहां पर आम मिल रहे हैं 100 रुपए किलो, मतलब आपको 20 केजी आम पर 100 रुपए के हिसाब से आपके आम हो जाएंगे 2000 रुपए में। फिर आप थोड़ी दूर जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, फल मंडी जाते हैं, क्योंकि वहां पर सामान जो है वो सस्ता मिलता है। वहां जाकर आपने इंक्वायरी की और आपको पता चला कि यहाँ पर आपको जो भाव मिल रहा है, आपको 20 केजी सामान उठाना है और वो आपको मिल रहा है 90 रुपए में। अब यहाँ पर आपके आम हो जाएंगे 1800 रुपए के, मतलब 2000 की जगह आप सब्जी मंडी जाकर अगर आप सामान उठाते हैं तो आपके 200 रुपए बच रहे हैं। व्यावहारिक दृष्टि से भी ये निश्चित अंतर है, क्योंकि 2000 और 1800 में अंतर है आंकड़ों में देखे तो। दूसरा, जो फल मंडी है आपके घर से 3-4 किलोमीटर दूर है, आपको 20 किलो सामान लाना है तो आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं, गाड़ी लेकर जाने में और आने में लगभग आपके 50 रुपए अधिक खर्चे होंगे, मतलब 1850 रुपए में आपको आम पड़ रहे हैं। 1850 और 2000 की अगर हम तुलना करें तो सब्जी मंडी जाकर आम लाने में आपके 150 रुपए की बचत हो रही है। 20 किलो आम के पीछे 150 रुपए की जो बचत है ये एक निश्चित रूप से अच्छी बचत आप मान सकते हैं, और 150 रुपए बचाने के लिए आप फल मंडी जाकर जरूर वहां से आम आप खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन दूसरे उदाहरण में अगर हम देखें कि यहाँ फल मंडी में जो आपको मिल रहा है वो 100 रुपए आपके घर के पास मिल रहा था और यहाँ पर आपको मिल रहा है 98 रुपए या 95 रुपए, तो 20 किलो आम पे आपको जो है सिर्फ 40 रुपए बचने की आपकी संभावना है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सस्ते यहाँ पर आम नहीं मिल रहे हैं। अब 20 ये जो अंतर है 2000 और 1850, जहां के आपके 150 रुपए बच रहे हैं, ये अंतर जो हम कहेंगे वो सार्थक अंतर है। और यहाँ पर हर किलो पर सिर्फ 2 रुपए बच रहे हैं, जो भी जाने आने में आपके खर्चे हो जाएंगे, तो 10-20 रुपए बचाने के लिए सब्जी मंडी जाकर आम लाना व्यावहारिक रूप से भी मुनासिब नहीं होगा, एक अच्छा निर्णय नहीं होगा, क्योंकि 2000 की तुलना में अगर आपके 40 रुपए, मतलब आपको 1950 रुपए में, 1950 रुपए में अगर सब्जी मंडी में जाकर इस भाव से अगर आम मिल रहे हैं तो आपकी जो बचत हो रही है वो सार्थक बचत नहीं है। दूसरा एक उदाहरण समझते हैं, आपका पर्स चोरी हो जाता है, पर्स में आपके 50-100 रुपया आपके पर्स में उसमें लॉस हो जाता है, पर्स में 100 रुपए थे, पर्स चोरी हो गई, सिर्फ 100 रुपए ही थे, तो 100 रुपए अगर पर्स आपको वापस नहीं मिली तो शायद आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उस पर्स में आपकी कोई कीमती कागजात थे, आपके घर की चाबी थी या कोई कार्ड था या आपका मोबाइल था, तो यहाँ पर जो आपका लॉस हुआ वो सार्थक लॉस है, आप कहेंगे ये लक्षणीय रूप से आपको घाटा हुआ क्योंकि आपकी पर्स चोरी हो गई। इसी प्रकार से जब हम दो समूहों के बीच में बात कर रहे हैं तो बुद्धि स्तर में ये जो अंतर है ये सार्थक अंतर है या नहीं, ये संशोधन के आखिर में बताना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर इनमें सार्थक अंतर है तभी इस संशोधन के निष्कर्ष हम उसी प्रकार से सामान्यकरण उसका कर सकते हैं। अब सार्थकता अंतर की जो है ये संशोधन में दो स्तर पर बताई जाती है, सार्थकता के दो स्तर होते हैं, एक है 0.05 और एक है 0.01। 0.05 और 0.01 ये दो सार्थकता के स्तर है, इसका भी मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। सार्थकता का स्तर 0.05 एक
इसका मतलब होता है 95%। और सार्थकता का स्तर 0.01, इसका मतलब होता है 99%। एक फोन कॉल आ गया था, सॉरी। तो सार्थकता का स्तर 0.05 से मुझे मतलब है 95% और 0.01 से मुझे मतलब है 99%। अगर इस टी परीक्षण को लगाने के बाद ये जो उपलब्ध डेटा मेरे पास है उससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे संशोधन के निष्कर्ष इस प्रकार से है कि दो समूहों के मध्यमान के बीच का जो अंतर है वो 0.05 स्तर पर सार्थक है। इसका मतलब ये होता है कि इसी प्रकार का संशोधन अगर मैं 100 बार करती हूं तो 100 में से 95 बार मुझे इसी प्रकार के निष्कर्ष मिलेंगे। मतलब 100 में से 95 बार कम से कम दो समूहों में मुझे बुद्धि को लेकर निश्चित रूप से भेद मिलेगा। बुद्धि में भेद नहीं है, इस प्रकार के संशोधन के निष्कर्ष निकलने की संभावना सिर्फ 5 है 100 में। इसका ये मतलब होता है अगर मेरा जो मध्यमान का अंतर है उसकी सार्थकता 0.01 स्तर पर निश्चित होती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसी प्रकार का संशोधन 100 बार किया गया तो 100 में से 99 बार इसी प्रकार के निष्कर्ष आएंगे। दोनों सार्थक स्तर में 0.01 स्तर पर सार्थक आना अंतर ये ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं 100 में से 99.9% बार ये आएगा कि उसी प्रकार के संशोधन के निष्कर्ष आएंगे। मतलब ये ज्यादा अच्छा निष्कर्ष माना जाता है। तो टी परीक्षण लगाकर अंत में हमें ये बताना होता है कि हमारे मध्यमान का जो अंतर है वो 0.05 स्तर पर सार्थक है या नहीं, या 0.01 स्तर पर सार्थक है या नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि इनको हम कैसे निश्चित करेंगे कि अंतर सार्थक है या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। टी परीक्षण का सूत्र लगाकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें ये नियम पता होना बहुत आवश्यक है कि अंतर की सार्थकता कैसे निश्चित करनी है। इसके लिए थोड़ा हम प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। टी परीक्षण की ये जो सांख्यिकीय विधि है इसे हम 4 स्टेप में अप्लाई करते हैं। उसको हम स्टेप बाय स्टेप बाद में देखेंगे, सूत्र के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके भी देखेंगे, लेकिन पहले वो 4 स्टेप समझ लेते हैं। इस प्रकार का डेटा जो है वो हमारे पास उपलब्ध होता है और परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि ये दो समूह है, दो समूहों के मध्यमान है, इनके मध्यमान के अंतर की सार्थकता, जो कि मैंने अभी दो सार्थकता के स्तर बताए, इन दोनों में से कोई भी एक स्तर परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसे कि 0.01 स्तर पर बताइए। इस प्रकार का गणित आपको पेपर में आएगा। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जब तक आप 0.01 स्तर पर मध्यमान का अंतर सार्थक है या नहीं यह नहीं बताते हैं तब तक आपका गणित पूरा नहीं होता है। तो यहां तक पहुंचने में आपको कुल 4 स्टेप से जाना है। सबसे पहले है टी का कैलकुलेटेड वैल्यू निकालना। टी का कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए सूत्र है, जैसा हम आगे देखेंगे, सूत्र रखना है। सूत्र में ये सभी मूल्य जो आंकड़े हैं वो डालने हैं, जो जो कैलकुलेशन है वो सब करना है। पहले सूत्र को लगाकर आप निकाल पाएंगे टी का कैलकुलेटेड वैल्यू। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको निकालना है डीएफ, जिसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का भी अलग एक सूत्र है, उसे भी हम देखेंगे। डीएफ की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको सार्थकता स्तर कौन सा देखना है उसे ध्यान में लेकर सार्थकता स्तर और डीएफ इनको जोड़ के टी का टेबल वैल्यू निकालना है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, ये वाला स्टेप। टी परीक्षण का एक चार्ट होता है, किसी भी स्टैटिस्टिक्स के किताब में वो चार्ट होता है, उस चार्ट को समझेंगे हम। मैं यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल में समझाने की आपको कोशिश करेंगी
करूंगी ही, लेकिन उसके बाद भी जब कॉलेज शुरू हो जाएगा और हम रेगुलरली मिलना शुरू हो जाएगा, रिवीजन क्लासेस होंगी, तब भी मैं आपको चार्ट को पढ़ना सिखाऊंगी, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण और अहम है, उसे समझना और उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो टेबल समझने, अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आपको सार्थकता स्तर 0.01 देखना है का 5 देखना है, ये आपको पता ही होगा गणित में। उसके साथ जो भी डीएफ की वैल्यू आएगी उसको जोड़कर आपको टी का टेबल वैल्यू निकालना है, और अंत में आपको सार्थकता सिद्ध होती है या नहीं उसे निश्चित करना है। इन 4 स्टेप में जो है वो हम टी परीक्षण को पूरा करते हैं। अब जैसा कि आपको अभी हमने बात की, इसमें आपको 2 सूत्र लगेंगे, एक टी का सूत्र है एक डीएफ का सूत्र है। ये दोनों सूत्र आपको इस्तेमाल करने हैं, 2 वैल्यूज निकालनी है, फिर चार्ट में देखकर टेबल वैल्यू भी निकालनी है और फिर सार्थकता निश्चित करनी है। सार्थकता निश्चित करने के लिए एक ही नियम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उस नियम को आपको बिल्कुल रट लेना है। कभी भी आपको उठकर अगर पूछा जाए कि सार्थकता कैसे निश्चित करते हैं, तो ये नियम आपको बिल्कुल मुंह-जुबानी याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज ये है कि टी परीक्षण में और काय वर्ग परीक्षण में, दोनों में ये नियम एक ही है, नियम बदलेगा नहीं। अब वो नियम क्या है जिसे हमें बिल्कुल रट लेना है, याद रखना है? अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, जिसे हम गणना करके निकालते हैं, जिसे हम टी का गणना मूल्य भी कहते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू, जिसे हम चार्ट में देखकर निकालते हैं, टेबल वैल्यू से बड़ी है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तो सार्थकता सिद्ध होती है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजों को ध्यान रखना है। नियम की शुरुआत कैलकुलेटेड वैल्यू इस शब्द से ही करनी है, इसी प्रकार से इसे ध्यान रखना है। कई बार हम उल्टा करते हैं, टेबल वैल्यू अगर छोटी है तो, ऐसा कुछ नहीं करना है। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबल वैल्यू से बड़ी है तो सार्थकता सिद्ध होती है। मान के चलिए कि आपने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाला 7.7 और उसी समय डीएफ और सार्थकता स्तर देखकर आपने टेबल वैल्यू निकाला 5, तो यही नियम लगाना है आखिर में, जो चौथी स्टेप की मैंने बात की। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी है तो सार्थकता सिद्ध होती है। अब यहाँ कैलकुलेटेड वैल्यू 7.7 है, टेबल वैल्यू 5 है। अब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये निश्चित रूप से टेबल वैल्यू से बड़ी है, तो आपका जवाब क्या आएगा इस स्थिति में? अंत में जो आपको लिखना है, सार्थकता सिद्ध होती है। और इसी का तात्पर्य ये है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी है तो सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। तो इस प्रकार से टी टेस्ट करने में हमको 4 सबसे महत्वपूर्ण, जो हमने 3 संकल्पनाएं सीखी, कौन कौन सी देखी हमने, टी परीक्षण कब इस्तेमाल होता है, संशोधन में जब हमारे पास 2 समूहों के एन, मीन और एस डी ये वैल्यू होती है और हमें मध्यमान के अंतर की सार्थकता देखनी होती है, तब ही हम टी परीक्षण इस्तेमाल करते हैं। ये पहली महत्वपूर्ण चीज हमने देखी। दूसरी महत्वपूर्ण बात हमने ये समझी कि सार्थक अंतर क्या है। जो गणितीय अंतर होता है वो सार्थक अंतर होगा ही, ऐसा नहीं। हमें सार्थक अंतर है या नहीं, मतलब वो लक्षणीय रूप से मानने योग्य, हर बार उसमें उसको ध्यान में लेना आवश्यक है, इतना निश्चित अंतर वो है या नहीं, इसे हम कहते हैं सार्थक अंतर। तीसरी चीज हमने ये समझी कि सार्थकता के स्तर कौन से होते हैं। मैं फिर एक बार आपको बताती हूँ, सार्थकता के 2 स्तर होते हैं, 0.01 और 0.05। ये सार्थकता के 2 स्तर होते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और सार्थकता के स्तर को निश्चित करके हमको निकालनी होती है टी के टेबल वैल्यू, और अंत में ये नियम लगाना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी होती है तो सार्थकता सिद्ध होती है, और अंत में हमें इसे लिखना है। इस प्रकार से टी टेस्ट का पूरा प्रोसीजर है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसे समझने की कोशिश करेंगे।